हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ प्रतिभा। मेरे चैनल कानपुर किचन एंड ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे भिंडी की सब्जी। बहुत ही कम तेल और मसाले में बनाएंगे, जिसे आप भिंडी दो प्याजा भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हम दो तरह की प्याज डालेंगे। तो चलिए हम इस रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। भिंडी दो प्याजा बनाने के लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम भिंडी ली हुई है। इसे हमने धो के अच्छे से सुखा लिया हुआ है। ध्यान रखें, खिली खिली भिंडी बनाने के लिए इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। अच्छे से भिंडी को सुखा लें। अब हम इसका ऊपर से और नीचे से थोड़ा थोड़ा पार्ट कट कर देंगे और इसे 1 इंच के टुकड़े में कट कर लेंगे। लगभग 1 या 1.25 इंच के टुकड़े में कट करेंगे। और इकट्ठे ढेर सारी भिंडी काटने के लिए आप इस तरीके से कलेक्ट कर लीजिए, तो इससे ये बहुत ही जल्दी भिंडी कट जाती है। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पर 1-1 इंच के टुकड़े कट कर लिए हैं। अब हमने यहाँ पर ये 5 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हुए हैं, प्याज भी कट कर लेंगे। तो हमें भिंडी दो प्याजा बनाने के लिए प्याज कट करनी है, तो इसे हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कट करेंगे। जैसे कि हम भिंडी दो प्याजा के लिए पेटल्स निकालेंगे इसके। देखिए, इस तरीके से 4 टुकड़े करने के बाद हम इसके इस तरीके से अलग अलग पेटल्स निकाल देंगे। और एक प्याज को हम इसमें बिल्कुल बारीक बारीक काट के डालेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने भिंडी इस तरीके से कट कर ली हुई है और एक प्याज को हमने बारीक बारीक चॉप किया हुआ है, क्योंकि हम भिंडी दो प्याजा बना रहे हैं। अब हमने गैस में एक नॉनस्टिक पैन गरम होने के लिए रखा है। इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डालेंगे और साथ में ये जो प्याज बारीक कटी हुई है वो डाल देंगे। अब हम इसे मीडियम फ्लेम में अच्छा सा कलर आने तक भूनेंगे। साथ में हम डालेंगे हरी मिर्च। तो यहाँ पर 3 हरी मिर्च को हमने थोड़ा सा बड़े बड़े टुकड़े में काटा हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज का कलर चेंज हो गया है। जैसे ही प्याज का कलर चेंज हो जाता है हल्का सा, हम इसमें ये कटी हुई भिंडी डाल देंगे और इसे हम 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी भिंडी 2-3 मिनट तक हमने फ्राई कर ली हुई है, इसी में अच्छे से भून ली है। अब हमने इसे कवर करके 4 से 5 मिनट तक पकाया हुआ है। भिंडी बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट में ही हमारी भिंडी 50% कुक हो चुकी है। जब ये भिंडी 50% कुक हो जाएगी, तो हम इसमें ये कटी हुई प्याज डालेंगे। प्याज डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने प्याज को भून के नहीं डाला हुआ है, ऐसे ही कच्चा डाला हुआ है, क्योंकि भिंडी के साथ साथ ये प्याज भी हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी। हमें इस प्याज को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, क्योंकि भिंडी दो प्याजा में भिंडी हल्की सी क्रंची ही अच्छी लगती है। थोड़ी सी हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार मैंने इसमें नमक डाला हुआ है, मिला देंगे अच्छे से। 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। बस हमें इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालने होते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो इसमें 1 चम्मच मैगी मसाला भी डाल सकते हैं, जिससे बच्चे भी बहुत अच्छे से ये खाएंगे। थोड़ा सा हम इसमें ड्राई मैंगो पाउडर यानी कि आमचूर पाउडर डालेंगे और आमचूर पाउडर डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आमचूर पाउडर डालने से भिंडी में बिल्कुल भी लेस नहीं रहता है और ऊपर से ये सब्जी जो बनती है वो बहुत ही टेस्टी बनती है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी खटास ऐड हो जाती है। फिर से हम इसे कवर करके 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, जिससे कि मसाले प्याज और भिंडी में अच्छे से कोट हो जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे 4-5 मिनट पका लिया हुआ है। हमारी ये भिंडी दो प्याजा बन के तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म रोटी के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, या आप इसे दाल के साथ साइड डिश के रूप में भी बना सकते हैं। ये सबको बहुत पसंद आएगी, तो आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।